ऐसे चीखे आधा केला महाराज जी खावे, आधा केला बचा वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया, छिलके ऐसे फेंक दिए। वो सिद्ध पुरुष छिलकों के ऊपर टूट के पड़ा और उठा करके कहता है, हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम। जो ही उसने कहा, इतनी देर में तो तीन बार बोलकर वही खड़ा खड़ा अंतर ध्यान हो गया। फिर वो दिखाई भागा नहीं, दौड़ा नहीं, और यूं खड़े खड़े देखते हुए अंतर ध्यान, एकदम अंतर ध्यान। ये इन आंखों से देखी हुई घटना है। होंगे दया तो देंगे, लेने क्या जाओगे, देंगे घर। सिद्धों के महासिद्ध श्री प्रभु जी सिद्धों को बनाने वाले हैं। जिसके पास जो होगा, एबीसीडी होगी तो एबीसीडी सिखाएगा, हाई स्कूल क्लास है वो सिखाएगा, इंटर क्लास है वो सिखाएगा, जिसके पास डॉक्टरेट होगी यूनिवर्सिटी के लायक होगा वो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट को सिखाएगा। तो इसलिए श्री प्रभु जी क्या है ये अंदाज लगाना, ये तो वो ही जान सकता है जिसको वो जना दे कि मैं ये हूँ। तो इसलिए बहुत बड़े भाग्य की बातें हैं जो क्या क्या, अरे अब क्या क्या बताऊँ, इतनी बातें हैं। Thank you.
सामने तुम देख रहे हो धोती पहनी भूल से योग साधन ऋषिकेश योग संपन्न निज कुर्ते से दिए श्री राम लाल। ये ऋषिकेश की ही घटना है जो अभी तुम्हें सुनाई जा रही है। बैठ जाओ, वहीं से प्रणाम करो, बैठते रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये ऋषिकेश आश्रम की घटना है। श्री आनंदकंद कल्याणधन प्रभु जी कुर्सी पर बैठे रहते थे और सामने महाराज जी के छोटे गुरु भाई कौन, नरसिंह मूर्ति जी महाराज मद्रास के रहने वाले थे। रानी पद्मावती पर उन्होंने ही रानी पद्मावती को प्रभु जी के चरणों में प्रभु जी के चरणों को के विषय में बताया। तो घटना बड़ी विचित्र है, ये इसको सुनने से आनंद आएगा, इसलिए शांतिपूर्वक सुनो। श्री प्रभु जी बैठे थे और नरसिंह मूर्ति जी क्या कर रहे थे, राधा कृष्ण जी के स्वरूप को लेकर के ऐसे उल्टा कर रहे थे ऋषि के आश्रम में। श्री प्रभु जी दूर से देखते क्योंकि हमारे महाराज जी श्री वृंदावन में अनुष्ठान किया करते थे जाकर के, और नरसिंह मूर्ति जी के मन में कुछ और होगा। तो राधा कृष्ण जी की मूर्ति को लेके ऐसे उल्टा कर दिया करते, शीर्षासन कराते। प्रभु जी रोज देखते थे ये क्या हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था प्रभु जी को। और वो राधा जी के पीछे पड़े हुए थे नरसिंह जी, क्या राधा जी इनको शीर्षासन कराओ शीर्षासन, इस तरह की भावना बनी हुई। तो घटना क्या घटती है जरा गौर से मन लगा करके सुनोगे तब समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए बोलो, जिस राधा के साथ तू कर रहा नरसिंह व्यंग, एक दिन इसके वास्ते फिरेगा होता कही। श्री प्रभु जी ने कहे, अरे नरसिंह तू शक्ति का अपमान कर रहा है राधिका का। बोले हाँ मैं तो शीर्षासन करा रहा हूँ। प्रभु जी के मुख से निकल गया, अरे बेटा ये उचित नहीं कर रहा, नहीं तो तू राधिका के लिए ही एक दिन तड़पता हुआ करेगा। श्री प्रभु जी के मुख से निकल गया तो क्या हुआ, तो साहस करने लगी नरसिंह तुम सीमा अब तेरा यह खेल सब शीघ्र ही होगा शांत क्योंकि
उसमें पुरुष लोग भी क्या करते हैं, जैसे देवियां बैठी ना, तुम बैठे, सारे पुरुष भी वहां बिंदी ये सब लगा के मेकअप करके सखी संप्रदाय चलता है अलग। तो नरसिंह मूर्ति जी देख रहे हैं बड़े गौर से, ये तो बड़े अच्छे, ये तो बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी अच्छी आ रही है, तो क्या हुआ सुनो। सखिया बोली तब यूं उससे, धोती कुर्ता Yeah.
छोटे गुरु भाई थे उनसे बहुत प्यार मानते थे, इसलिए बार बार पश्चाताप कर रहे थे महाराज जी, अरे भाई तुमने नरसिंह क्या कर दिया, क्या बन गए तुम, क्या थे योगेश्वर के चरणों में आए वहां जाकर की दीक्षा ले ली, तो क्या हुआ लौटा रहा हूं, तो आगे क्या होता है जरा गौर से सुनिए।
Thank you.